सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो हमने कल की क्लास में स्पेशल इक्वेशन चालू किया था। फॉर्मेट का देखा था हमने 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई इक्वल टू 1 बाय के, जिसमें हमने एक बार 12 लिया था। कैट वाले सवाल में 9 था वो वैल्यू, वो हमने सॉल्व किया था पूरा। और इंटीग्रल और पॉजिटिव इंटीजर दोनों केसेस देख लेते, डिटेल में पूरी कहानी समझ ली थी और जल्दी से आंसर कैसे निकलना उसकी बात करी थी। आज स्पेशल इक्वेशन में एक नया पैटर्न देखेंगे, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले पैटर्न देख लो आप, ये वाला पैटर्न एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 48। इसमें हम पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी निकालेंगे और उसके बाद इंटीग्रल भी निकालेंगे, ठीक है। प्रोसेस सेम रहेगा पर अप्रोच में एक बहुत क्रूशियल डिफरेंस है कल के और आज के पैटर्न में, वो अंतर भी मैं समझाऊंगा आपको। यू नो, ये सारे पैटर्न में डिफरेंस मैंने जरूरी कि अप्रोच में डिफरेंस क्यों रहा है। कांट जस्ट सोलली कि भाई इसका सोल्यूशन मैं नहीं बता सकता, आपको इंडिविजुअली कंपेरिजन करना पड़ेगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं और ध्यान से समझिएगा। करेंटली आई एम सॉल्विंग फॉर पॉजिटिव इंटीजर, उसे इंटीजर में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इसमें एक फर्क है एज कम्पेयर टू यस्टरडे वाला क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि इट इज ऑलवेज कन्वीनियंट कि आप किसी भी इस तरह के एक्सप्रेशन को, इक्वेशन को मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में लाया करो। इक्वेशन है, मल्टीप्लीकेटिव फॉर्म में लाया करो। पिछले में हमने काफी स्टेप फॉलो करे थे, स्क्वायर को माइनस करना, फिर स्प्लिटिंग करके ब्रैकेट्स बनाए थे, हमने कॉमन लिए थे टर्म। इसमें मेहनत काफी कम है, दिख रही होगी आपको, पर एक दूसरा फर्क आएगा वो देखना। यहां पे तो मल्टीप्लाई फॉर्म बड़ी आराम से बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 48। अब एक बात ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर x और y पॉजिटिव इंटीजर है तो उनको प्लस और माइनस जब आपस में करेंगे तो भी इंटीजर तो बनेगा ही, नहीं तो हम कह ही सकते हैं। तो बेसिकली ये भी तो इंटीजर इंटू इंटीजर फॉर्म बन गई, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था, और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। पर एक अंतर है, याद करिए कल वाले क्वेश्चन में जो हमने 12 वाला क्वेश्चन लिया था उसमें क्या बना था हमारा, x माइनस 12 इंटू वाई माइनस 12 इक्वल टू 144 था, ठीक है। ध्यान दीजिए इसमें भी दोनों ब्रैकेट्स इंटीजर थे, पर एक फर्क है, एक ब्रैकेट में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दूसरा तो कॉन्स्टेंट है। पर यहां पर क्या होगा, यहां पे एक ब्रैकेट में दोनों वेरिएबल आ रहे हैं आपके, एंड दैट्स अ क्रूशियल डिफरेंस। इसका फर्क क्या पड़ेगा पेयर सेलेक्शन में, उस पे ध्यान देना खास। चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं, पर अंतर बता दिया मैंने आपको। अब देखिए बेसिकली दो इंटीजर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 48 के बराबर है, तो चलिए ऐसे पेयर निकालते हैं। एक पेयर हो जाएगा 1 इंटू 48, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 24, फिर 3 इंटू 16 हो जाएगा, फिर 4 इंटू 12। पेयरिंग करना भी सिंपल ही, कोई खास प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि 5 तो है नहीं, 6 आ जाएगा 6 इंटू 8। अब देखो अब क्या होगा, इंटरचेंज चालू हो जाएगा, उसको बाद में देखते हैं। अभी ओरिजिनल 5 पेयर बन गए हमारे। अब पहली चीज, कैन यू चूज ऑल द पेयर एज द आंसर? नो यू कैन नॉट। क्यों? एग्जाम्पल देखिएगा, बेसिकली 1 इंटू 40 किसकी वैल्यू, x और y की नहीं है, x प्लस वाई और x माइनस वाई की है। तो मान लो अपन को अल्फा इंटू बीटा कोई पेयर मिलता, तो एक वैल्यू अपन देते हैं x प्लस वाई को और एक देते हैं अपन x माइनस वाई को। इनसे जो x y आना चाहिए वो भी पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर, अगले सवाल में जो देख रहे हैं वो होना चाहिए। तो हमें x y की वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर बनाने से मतलब है, क्लियर? तो ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं, हो सकता है x प्लस वाई और x माइनस वाई इंटीजर और x और y इंटीजर ना आए। किन पेयर्स को लोगे? अब ध्यान रखो आप, x और y निकालोगे कैसे आप? पहले दोनों इक्वेशन को ऐड करके अपॉन टू कर दो तो आपको एक्स मिल जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा बाय टू, और दोनों इक्वेशन को माइनस करके अपॉन टू कर दो तो आपको वाई मिल जाएगा। अब देखिए इनको अगर इंटीजर रखना है आपको, तो फिर ऊपर वाली चीज टू का मल्टीपल होनी चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। कब होगा? अब आप में से कई लोग बोलेंगे सर तब होगा जब दोनों वैल्यूज इवन होंगी। नहीं, अगर दोनों ऑड है तो भी काम चल जाएगा, मतलब पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, या तो अल्फा बीटा दोनों इवन या दोनों ऑड होने चाहिए तो काम हो जाएगा, सिंपल सी बात, क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, एग्जांपल भी देख लो। देखो मान लो अगर मैं यहां पे ले लेता हूं वैल्यू, इधर एक्चुअली ले लेते हैं वैल्यूज, मान लो आपने लिया 16 ले लिया x प्लस वाई को और 3 ले लिया इसको, तो आंसर क्या आएगा आप खुद ही देख लो, आपके डेसिमल आंसर आना शुरू हो जाएंगे, इंटीग्रल नहीं मिलेगा। पर आप इवन इवन पेयर लो तो क्या हो जाएगा, 12 और 4। यहाँ पे एक्स कितना आ जाएगा, पहले प्लस करके अपॉइंट कर दो तो अपॉइंट टू कर दो 8 आ जाएगा, और वाई कितना आ जाएगा, माइनस करके अपॉइंट टू कर दो तो 4 आ जाएगा, बस, क्लियर? आप ऑड ऑड पेयर भी ले सकते हो, पर क्योंकि 48 अपने आप में इवन नंबर है तो ऑड इंटू ऑड कभी वो बन नहीं सकता, पर किसी क्वेश्चन में ऑड इंटू ऑड है तो वो भी चलेगा, ठीक है? पोलैरिटी सेम होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऑड ऑड वाला केस नहीं है,
तो हम सिर्फ इवन इवन वाले पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। कौन सा पेयर ले सकते हो आप? यू कैन टेक दिस पेयर एंड दिस पेयर, तीन पेयर आ गए, ठीक है, बाकी पेयर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब सवाल है कि भाई पेयर तो आपने चूज कर लिया, बात समझ में आ गई, इंटरचेंज वाले फंडे का हम लोग क्या करेंगे? कैन वी इंटरचेंज हियर? पिछले वाले में तो कर पा रहे थे, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, क्यों? देख लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं चलो 4 और 12 लेता हूं तो आपके पास रास्ता क्या है कि भाई या तो आप x प्लस वाई को 12 ले लो, x माइनस वाई को 4 ले लो, और इंटरचेंज मतलब x प्लस वाई को 4 लोगे और x माइनस वाई को आप क्या लोगे, 12। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि यहां पे तो ये 8 और y कितना आ जाता है 4, पर इधर करने पर जब आपने x प्लस वाई को छोटी वैल्यू दी उस पेयर में से तो x कितना आ जाएगा, ऐड करके अपॉन टू करो, x तो 8 आ गया पर y कितना आएगा, -4, गड़बड़ हो गई। तो अगर आपको x और, अब यहां पे खेल आएगा इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर का अंतर समझेंगे, अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो प्लीज इंश्योर कि x प्लस वाई जो होता है वो x प्लस वाई जो होता है उसको बड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए और x माइनस वाई को छोटी वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए आप इंटरचेंज नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा, आप 6 नहीं बोलेंगे। आगे आंसर, आप बोलोगे सर इंटीजर में क्या होगा, आइए वो देख लेते हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको? एग्जाम में यू डोंट नीड टू पुट इन दीज वैल्यूज, वो तो मैंने थोड़ा फाउंडेशनल क्लैरिटी के लिए बता दिया आपको। तो पॉजिटिव के लिए x प्लस वाई को बड़ी वैल्यू, x माइनस वाई को छोटी वैल्यू, यू कांट इंटरचेंज। अब देखिए, अगर हमें सिर्फ इंटीजर बोलेगा, भाई पॉजिटिव इंटीजर में तो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं, पर सिर्फ इंटीग्रल सॉल्यूशन बोलेगा, क्वेश्चन ये रहा, पर क्योंकि पेयर यहां बनाए तो मैं पिछली शीट में सॉल्व कर रहा हूं, तो फिर आप जीरो या नेगेटिव इंटीजर को भी बियर कर सकते हैं, वो भी चलेगा। अब उसमें कहानी क्या होगी, ध्यान से देख लीजिए। अब आप लोग के मन में दो बातें आ रही होंगी कि सर एक तो इंटरचेंज वाली कहानी होती है, एक नेगेटिव वाली कहानी भी तो बोलते हैं आप। कौन सी कहानी? पिछले बार करा होगा आपने कि सर अगर 4 × 12 = 48 है तो -4 × -12 भी तो +48 होगा। आप दोनों को नेगेटिव भी तो कर सकते हो क्योंकि -(-) तो फिर प्लस बनता है। यस, पॉजिटिव इंटीजर में वो बात करने का मतलब नहीं था, पर सिर्फ इंटीग्रल में अब वो बात हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अब देख लीजिए आप फ्रेंड्स, बेसिकली ना किसी भी पेयर से 3 एडिशनल पेयर बनते हैं भाई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। पहला केस क्या होगा, चलो ये ले लेते 6 और 8, या तो आप इसको 8 मान लो, इसे 6 मान लो, या इसको 6 या इसको 8 मान लो, आप इनका नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। फ्रेंड्स आप बोलोगे सर एग्जाम में इतना कुछ करना है, नहीं करना है एग्जाम में, इतना कुछ नहीं करना है एग्जाम में, तो सिर्फ 20 सेकंड वाला काम है, आराम से सिंगल सिंपल काउंटिंग से आंसर आ जाएगा। पर क्या केस एक्चुअली बनते हैं पता होना जरूरी, क्योंकि उसमें थोड़ा भी मैनिपुलेशन करा तो आप फंस ना जाओ। तो एग्जाम में जल्दी करेंगे पर समझने में डिटेल में समझिएगा, वरना है चैप्टर कई बार कंफ्यूज होता है। आपको याद है कैट में कंडीशन दी थी उसने पिछली बार 9 वाले क्वेश्चन में, ए इज मोर देन इक्वल टू बी, तो वो केस फॉर्मेशन से ही क्लियर होता है, डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो इंटरचेंज कर लिए, पर माइनस भी ले सकते हो क्योंकि अब इंटीजर की बात करनी है, तो ये -8 और -6 और -6 और -8 भी हो सकता है। अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो आप उस पूरे में सिर्फ ये ओरिजिनल लोगे, मतलब x प्लस वाई को बड़ा और x माइनस वाई को छोटा। पर अगर सिर्फ इंटीजर चाहिए तो बाकी पेयर में क्या होगा फ्रेंड्स, बाकी पेयर में इंटीजर की समस्या नहीं है, हर इस केस में एक्स और वाई इंटीजर ही आएंगे, पर बाकी तीन में एक या दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। पर इंटीजर में तो चलता है हमको, एग्जाम्पल देख लो, मान लो एक्स प्लस वाई लेटेस्ट से -6 है और एक्स माइनस वाई -8 है, तो आप एक्स कितना आएगा, ऐड करके अपॉन टू कर दो आप तो -7 आ गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वाई कितना आएगा, एक्स को -7 रखो तो वाई कितना +1 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। तो यहां पे x नेगेटिव आ गया, तो किसी केस में दोनों नेगेटिव आ सकते हैं, किसी में x पॉजिटिव y नेगेटिव आ सकता है, वो इन तीन केस में होता है। एक करके दिखा दे, बाकी दोनों भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें सिर्फ इंटीजर बोल रहा है तो हम ये तीन केस भी ले सकते हैं। अब आंसर देखना क्या होगा, इफ यू वॉन्ट आफ्टर पेयरिंग, 5 पेयर बने आपके, ठीक है, उनमें से 3 एलिजिबल है आपके, इफ यू वॉन्ट पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन योर आंसर इज 3। पर अगर आपको सिर्फ इंटीग्रल चाहिए तो आंसर क्या होगा, पहले तो आप इन सारे ओरिजिनल पेयर्स 1, 2 इन तीन पेयर्स को इंटरचेंज कर सकते हो, तो 6 पेयर हो गए। अब इन 6 पेयर्स में आप इनके नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हो तो भी इंटीग्रल आंसर आएगा, तो ये 6 का 12 बन जाएगा, तो आंसर कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 12 हो जाएगा, क्लियर है। तो सबसे पहले आप सेम पेयरिंग कर लो, सेम पोलैरिटी के पेयर्स लो, ठीक है, तो 3 आंसर इसमें आ गया फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल, ठीक है। पर अगर आपको इंटीग्रल भी चाहिए तो इंटू 4 करना, इंटू 4 क्या करते हैं, पहली डबलिंग हम करते हैं क्योंकि इंटरचेंज वाले पेयर्स भी ले सकते हैं, और दूसरी डबलिंग हम इसलिए करते हैं कि आप उनके नेगेटिव इक्विवेलेंट भी ले सकते हैं,
इसलिए 4 टाइम्स करते हैं, लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया क्लियर आंसर। एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है, एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से इसका आंसर निकालना। 9x² - y² = 48, इस इक्वेशन का आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी निकालना है और इंटीग्रल भी निकालना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, पॉजिटिव इंटीग्रल और इंटीग्रल कॉमा ला के दे दीजिएगा आंसर। क्लियर? तो इस इक्वेशन का आपको, अभी देखो यहां पे 9 ले आया, उससे फर्क क्या पड़ेगा आप बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कवर दिस थिंग, तो पहले होमवर्क में आप ट्राई करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू दिस थिंग। क्लियर है बात? तो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन भी चाहिए और इंटीग्रल, दोनों के आंसर कॉमा ला के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, विल सी। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो आपको, थोड़ा डाउट्स कई लोगों को थी इसमें, आई थिंक अब बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके से क्लियर हो गया होगा। और एग्जाम में तो कितना जल्दी आंसर आना है, पर फिर भी समझते वक्त सारे केस देखना बहुत जरूरी हो जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कहानी समझ में आ रही है, वीडियो समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं आपको, परफॉर्मेंस में एग्जाम वगैरह में फर्क दिख रहा है, तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपके ऑनेस्ट फीडबैक का इंतजार रहेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, कल फिर मुलाकात होगी आपसे, टेक केयर।